सो नेक्स्ट रिसर्च मैथडलॉजी के प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है लास्ट वाले सेशन में जो हमने एक्सप्लेनेशन और एम सी क्यू बताए थे योर रिस्पॉन्स थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली हम ऐसे एम सी क्यू सेशन करें बिकॉज इससे प्रैक्टिस होगी सारे जो चैप्टर्स मैंने नौ दस कवर किए हैं वो सारे मगभ हो जाएंगे और आप इस एग्ज़ामिनेशन में हंड्रेड एंड वन परसेंट फिफ्टी में से फोर्टी फाइव तो हंड्रेड एंड वन परसेंट एक्सेप्ट करेंगे और करेक्ट करके आएंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन और रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यू के साथ बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी एमसीक्यू काफी लोगों के कुछ डाउट थे कि जो हमारा एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन के अंदर 50 मार्क्स के मतलब फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रिसर्च मैथडोलॉजी होगा और जो सेकेंड पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं सो so, काफ़ी लोगों के अभी भी डाउट हैं कि लाइक रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो क्वेश्चनस होंगे क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं तो मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ वेबसाइट के सारे कन्फ्यूज़न इसलिए है बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसके अंदर ये क्लियरली मैंशन था कि नेगेटिव मार्किंग है बट मैं आपको बता दूँ कि जो प्रेस रिलीज इलेवेंथ ऑफ अगस्त को आया था और उसके बाद एक कोरेंडम भी निकाला था इलेवेंथ ऑफ अगस्त को जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ था कि जो आपका मीडियम रहने वाला है वो साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं कॉमन सेक्शन जैसे कॉमर्स फाइनेंस फाइनेंस आर्ट कल्चर ह्यूमैनिटी उनके लिए बायलिंगुअल रहेगा तो अगर आप साइंस से हैं तो आपको हिंदी नहीं मिलेगी लैंग्वेज वालों को लैंग्वेज मिलेगा और दोनों ऑप्शन रहेंगे इन सब्जेक्ट्स के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग वुड बी डन कोई नेगेटिव मार्क नहीं था ये यहाँ भी लिखा हुआ था क्लियरली और जो यहाँ पे यह आया था अगस्त के अंदर उसमें भी क्लियरली लिखा था कि तीन घंटे का पेपर होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा नो नेगेटिव मार्किंग सो प्लीज़ मे मेक श्योर नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट द थिंग इज़ दैट कि हमको ऐसे क्वेश्चंस को ख़त्म करना है कि हमको सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे मार्क्स मिले नेगेटिव मार्किंग इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी आंसर लगाएं मेरिट हाई जाती है फिर प्रॉब्लम होती है तो कल हम लोगों ने ट्वेंटी फाइव क्वेश्चनस ख़त्म किए थे और काफ़ी लोगों को ये अच्छा लगा रिवीजन बिकॉज सब लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को रीड आउट करके उसको ख़त्म कर देते हैं कुछ लोगों के कमेंट बहुत अच्छे थे कि लाइक इससे ऑप्शन हटा दीजिए तो मैं आपको बता दूँ जो ये ऑप्शन जो भी लगे हुए हैं जस्ट फॉगेटेड ज़रूरी नहीं है कि ये सही है मैं आपको आंसर बताऊंगा और मेन आप एक्सप्लेनेशन देखो उसके बाद जो सीरीज़ का लिंक है नीचे कोर्स का लिंक है वहाँ थाउजेंड्स पुराने नौ साल के पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर और उसके आंसर हैं आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो और सारे के सारे चैप्टर्स के बिल्कुल सिंपल फॉर्म के पी और जो प्रेजेंटेशन मैंने लिया था वो भी अवेलेबल है उस कोर्स के अंदर सो so, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाके फटाफट -फड़ प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी बची हुई प्रैक्टिस हम लोग यहां करेंगे तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मेन ऑब्जेक्टिव शायद हम कर चुके थे हम यहाँ आते हैं डैश हेल्प्स कंपेरिजन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम्पल ले लेते ले हैं कोई भी जैसे हम कोई स्टडी कर रहे हैं किसी प्लांट के ऊपर हम एक फर्टिलाइज़र तैयार किया उस फर्टिलाइज़र को हम डाल रहे हैं और हमारे स्टडी के अंदर दो वेरिएबल हैं कि प्लांट की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ हाइट और सॉइल की क्वालिटी दो पैरामीटर हो गए जब मैं ये पेस्टिसाइड डालूंगा तो प्लांट की ग्रोथ हाइट कितनी बढ़ेगी और सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी या खराब होगी लेट्स ये सिंपल एग्जाम्पल है आप कुछ भी ले सकते हो सो so, जो दो वेरिएबल्स होंगे अपने स्टडी के डैश हेल्प्स कंपैरिजन तो कंपैरिजन अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा क्लासिफिकेशन नो क्लासिफिकेशन तो आपने कर दिया ये हाइट है ये सॉइल है रिसर्च रिसर्च करने से कभी भी वेरिएबल्स के कंपैरिजन नहीं होंगे रिसर्च इज अ कॉमन टर्म सर्वे से भी नहीं होगा टैबुलेशन जब मैं टैबुलेट कर दूंगा कि लाइक हाइट एच इन टर्म्स ऑफ लाइक फिट ओके एंड द क्वालिटी ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ पी लाइक नाइट्रोजन फॉसफोरस कुछ भी हो सकता है टेबुलेशन so, करने से आपका कंपैरिजन बहुत अच्छा होगा सो द करेक्ट आंसर इज टैबेशन ट्वेंटी पॉपुलेशन स्टडी काफी लोग करते हैं सर्वे स्टडी करते हैं इस पर हमने बहुत डिस्कशन किया है अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये देखिए जब पॉपुलेशन फाइनाइट होती है मतलब हमको पता है कि हमको सपोज ईस्टर्न यूपी को कवर करना है ईस्टर्न यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है या बनारस डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है फॉर सम फाइंडिंग्स तो विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड वेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट तो ये देखिए परपजिव सैंपल टेक्निक एरिया सैंपलिंग टेक्निक सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक देखिए इसका करेक्ट आंसर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक है क्यों उसका मैं रीज़न बता देता दूँ जब हमको एक एरिया स्पेसिफिक है हमको पता है कि इतने पॉपुलेशन है इनको स्टडी करना है तो हम एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हैं मतलब हर चार या हर दस हर टेंथ मेंबर को हम उठाएंगे और उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे हर फोर्थ मेंबर को लेंगे हर फिफ्थ मेंबर को लेंगे या अगर हम घर वाइज कर रहे हैं तो हर दूसरे घर को लेंगे हर चौथे घर को लेंगे हर दसवें घर को लेंगे एक्सेट्रा बिकॉज पॉपुलेशन फाइनाइट है एरिया सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन फाइनाइट नहीं होती है रैंडम सैम्पलिंग करनी होती है सो दिस कैन नॉट बी दिस एंड सैम्पलिंग ये होती है कि जब हम परपजली उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ वो फाइनाइट की बात ही नहीं आती सो द करेक्ट आंसर इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अब इसका आंसर वही दे पाएगा जिसने मेरी लेक्चर की होगी चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूं ये है मेरी लेक्चर फोर्थ आप अगर इसको देखोगे तो आप देख भी सकते हैं मैं इसको ऑन कर देता हूं फाइव ऑफ बीड देखिए हमने पूरा समझाया था अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप आराम से जाके देख लो इसका मैटर पीडीएफ में मिल जाएगा उसको पढ़ लो बिकॉज ऐसे आंसर्स को करने के लिए जब तक आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं पता होगा सो यू कैन नॉट मग अप रट नहीं सकते हो तो यहाँ देखिए यहाँ क्लियरली लिखा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या क्या आता है सिंपल रैंडम स्टेटिफाइड रैंडम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग और नॉन प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या आता है पर्पज सैंपलिंग हम पर्पजली करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग इन सब के एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ भी नहीं समझ में आता यार ईयरबड लगाओ ये सारे लेक्चर सुन लो और तुम्हारे कॉन्सेप्ट हंड्रेड एंड वन परसेंट क्लियर हो जाएंगे सो नाउ इट्स अप टू यू कि तुमको फिफ्टी में से फिफ्टी लाना है या फिफ्टी में से फोर्टी ट्वेंटी भी नहीं कर पाना है सो so, इस क्वेश्चन क्या था च वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी क्लस्टर सिस्टमैटिक स्टेटिफाइड और कोटा तो वॉट इज द आंसर कोटा सैंपलिंग ये सारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग थे और जो नहीं है वो है कोटा सैम्पलिंग फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड अब ये पूछ रहे हैं फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड क्या बोल सकते हो तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास जो ऑप्शन होते हैं आपको उसमें से बेस्ट चूज करना होता है कुछ ऑप्शन सही भी लगते हैं बट लगता है कि नहीं ये क्यों नहीं होगा होता होगा बट यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर एक्शन रिसर्च सर्वे देखिए फंडामेंटल रिसर्च का सर्वे से कोई मतलब नहीं पायलट स्टडी पायलट स्टडी बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है तो ये भी नहीं बेसिक रिसर्च तो बेसिक रिसर्च द फंडामेंटल रिसर्च ये आपने लाइन हंड्रेड एंड वन परसेंट पढ़ी होगी आप ये मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर जब पढ़ेंगे ना रिसर्च मेथोडोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहां पे यह चीज मिल जाएगी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डैश विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च ऑप्शंस देखो तब मजा आएगा प्रोफेसर ट्यूटर एच और गाइड अब समझो देखो आई एम हेयर जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन टू कीप द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड आपको आंसर नहीं बताना आंसर की वहां अवेलेबल है आप कोर्स डाउनलोड करो सब मिल जाएगा सी प्रोफेसर देखो प्रोफेसर एक पोस्ट है जरूरी नहीं है कि प्रोफेसर रिसर्च करवाए अंडरस्टैंड अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जहां पे पीएचडी कोर्स ही नहीं है सो दैट कैन हेल्प आउट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च आंसर इज नो ट्यूटर ट्यूटर भी एक पोस्ट है इट इज नॉट कंपल्सरी कि ट्यूटर रिसर्च करवाए एच ओ डी एच ओ डी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि रिसर्च को बट गाइड गाइड वो होता है जो आपको किसी भी चीज़ में गाइड करे गाइड भी एक पोस्ट नहीं है एक प्रोफेशनल है एक प्रोफेशन दिया गया है कि आप गाइड होगे तो प्रोफेसर भी गाइड हो सकता है ट्यूटर भी गाइड हो सकता है छोटी भी गाइड हो सकता है बट गाइड का काम है किसी चीज में गाइड करना चाहे वो ग्रेजुएशन का रिसर्च हो चाहे मास्टर्स का रिसर्च हो चाहे पी का रिसर्च हो सो गाइड कैन हेल्प यू आउट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च इज दैट क्लियर ये नीचे मुझे कॉमेंट जरूर करना कि वॉट इज द लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन करेक्ट आउट ऑफ फाइव यू हैव टू गिव मी द स्टार कि हाउ ज दिस सिग्निफिकेंट टू यू इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन और इसके बाद कर, है कि नहीं करना है मुझे यह भी बताओगे फॉर थर्टी फोर्टी मिनट सो आई वॉन्ट अ इनपुट फ्रॉम यू डेफिनेटली सी द लास्ट स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन देखो ये बेसिक क्वेश्चन है और ये जरूर आने वाले हैं और मैं देख रहा हूं सारे पेपर्स में आ रहे हैं सो द लास्ट स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मूलेशन जब प्रॉब्लम फार्मूलेट आप कर लेते हो सपोज मुझे ये पता करना है कि क्यों इतने ज्यादा कैंसर केसेस आ रहे हैं ये मेरी प्रॉब्लम है कि कैंसर केसेस का रीजन क्या है मैं पता करना चाह रहा हूं सो लास्ट स्टेप क्या होगा उसका सर्वे डिस्कशन डिस्कशन करोगे लास्ट स्टेप में नो no. सर्वे करोगे लास्ट स्टेप में नो no. सर्वे तो आप पहले करोगे बट लास्ट स्टेप में नहीं करोगे डिस्कशन डिस्कशन भी आप पहले करोगे लिटरेचर सर्वे नो लिटरेचर सर्वे तो उसके बाद होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेट के रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम कितनों को लग रहा है ये द करेक्ट आंसर इज डी रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम जब आप रिसर्च फॉर्मुलेट को फाइनलाइज कर लेते हो तो आप ये चेक करते हो कि वेदर दैट रिसर्च प्रॉब्लम इज करेक्ट और नॉट बिकॉज अगर रिसर्च प्रॉब्लम गलत होगी

सिज होना चाहिए स्पेसिफिसिटी भी होना चाहिए अनकलियरिटी तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए so, ऐसे क्वेश्चन को जस्ट याद कर लो यहाँ किसी का भी नाम हो हाइपोथिस इज नॉट द करेक्ट स्टिक ऑफ दिस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको याद करना होगा वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन तीन टर्म्स थी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी अगर मैं आपको यहाँ लिस्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मीन मोड और मीडियन का आपको मिल जाएगा सी दिस इज द लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर नाइन फाइन किसी को नहीं समझ आया तो वहाँ से जाके देख सकता है अब इसका एसिमेट्रिक डेटा पे रिलेशनशिप याद कर लो मोड इज इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन कैसे याद करोगे नो याद करना ही पड़ेगा मोड इज इक्वल देखो मीडियन बड़ा वर्ड है तो मीडियन के साथ आएगा थ्री और एक के साथ आना है टू तो छोटा वर्ड है मीन तो मीन के साथ टू मीडियन के साथ थ्री और दोनों को माइनस कर दो थ्री मीडियन माइनस टू मोड दिस इज द सिंपल एज दैट विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ शेड्यूल शेड्यूल ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल रेटिंग शेड्यूल इंटरव्यू शेड्यूल नॉट पूछा है ये सारे शेड्यूल हैं एक्सपेरिमेंटल शेड्यूल इज नॉट अ शेड्यूल यार एक्सपेरिमेंटल शेड्यूल कभी नहीं होता हम एक्सपेरिमेंट कभी भी कर सकते हैं हो सकता है वो फेल हो जाए फिर हम रिपीट करें फिर हम रिपीट करें फिर हम रिपीट करें देर इज नो शेड्यूल सॉर्ट ऑफ थिंग ये सोशल साइंस रिलेटेड रिसर्च का क्वेश्चन है विच वन इज अ वेरी प्राइमरी स्टेज ऑफ सोशल साइंस सो आप इसका आंसर होगा सेलेक्शन ऑफ सोशल प्रॉब्लम बिकॉज अब तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी तो हाइपोथिस नहीं होगी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा लिटरेचर रिव्यू नेक्स्ट स्टेप होता है ऐसी अगेंस्ट सोशल साइंस रिसर्च का प्रॉब्लम है तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करूंगा इट इज नॉट ट्रू सो द आंसर इज इट इज द स्टडी ऑफ मैटर बिकॉज सोशल प्रॉब्लम इंक्लूड होती है इंडिविजुअल ग्रुप भी इंक्लूड होते हैं सोशल प्रोग्रेस तो डेफिनेटली होती है विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेट रिसर्च डिजाइन ने पढ़ा है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन तो हर स्टूडेंट करता है मॉडर्न रिसर्च डिजाइन टाइप की टर्म्स नहीं पड़ी ना इन कम्युनिकेशन विच वन इज नॉट अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज विच वन इज नॉट अ मेजर बैरियर देखिए ऑडियंस का एटीट्यूड बहुत मैटर करेगा ऑडियंस की नॉलेज बहुत मैटर करेगी सपोज आपने जो आपके क्वेश्चन एयर हैं सपोज आप क्वेश्चन के बेस पर कोई रिसर्च करना चाह रहे हो और ऐसे ऑडियंस के पास चलेगा जिनको नॉलेज ही नहीं है तो वो आपके गलत आंसर देंगे आंसर नहीं देंगे ऑडियंस की एजुकेशन भी बहुत मैटर करेगी बट ऑडियंस की इनकम मैटर नहीं करने वाली आपके रिसर्च में सर्वे इज विच टाइप ऑफ स्टडी फैक्ट फाइंडिंग डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक और एनालिटिकल सर्वे इज ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी सर्वे होता है तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके अब इसमें देखिए कन्फ्यूज आप होंगे फैक्ट फाइंडिंग में बट द मैंने बोला ना क्वेश्चन के ऑप्शन जो होते हैं बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं इसीलिए तो रखे जाते हैं द फर्स्ट एम ऑफ अ सर्वे इज देखिए ये भी कन्फ्यूजिंग है एवेलुएशन मेजरमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन नहीं होगा मेजरमेंट नहीं होगा एवेल्युएशन तो बेस्ट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन तभी ना होता है सर्वे कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है मैं एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ लोगों का क्या रिस्पॉन्स है करेक्ट तो मेजरमेंट हर बार नहीं हो सकता डिस्क्रिप्शन हर बार नहीं हो सकता नाउ आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड अ पॉसिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज सोचिए पायलट स्टडी अलग स्टडीज होती हैं एक्शन स्टडी अलग होती हैं फील्ड स्टडी भी नहीं होती है दैट इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक स्टडी ये कुछ क्वेश्चंस देखिए ऐसे होते हैं ना जिसमें कि आप थोड़े से आपको वो होना पड़ेगा अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है ये भी एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ सोशल रिसर्च द आंसर इज सोशल डी के विच वन इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम देखो इंटरेस्ट जरूरी नहीं है मेरा इंटरेस्ट है बट वो जरूरी नहीं हो सकता कि वो रिसर्च प्रॉब्लम बने एक प्रॉब्लम है नो no, ये भी जरूरी नहीं है प्रॉब्लम आपकी है हो सकता है वो रिसर्च की प्रॉब्लम ना हो बट द स्टडी ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू क्रिएट अ रिसर्च प्रॉब्लम बिकॉज जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन करते हैं तो आप एक लिटरेचर चेक करते हैं उसके बाद ही समझ में आता है ये याद करने के हैं पैराडि एज अ मेथड ऑफ सोशल साइंस हैज बीन यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंगर रॉबर्ट के मैर्टन विच वन ऑफ द सिक्स स्टेज ऑफ द सोशल रिसर्च ऑफ पी वी यंग दैट इज द आंसर इज साइंटिफिक जनरलाइजेशन प्रोमिनेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी देखिए सारे हैं एडवांस नॉलेज न्यू थिंग सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन हुज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्च एंड मॉडलिटी ये भी याद करने का है काल महनम रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम विच फ्रेंच याद रख लीजिए सोशल इन्वेस्टिगेशन ये भी याद रख लीजिए सी ए मोजर सर्वे मैथड इसको मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये आने के चांस बहुत कम हैं देखिए वन इज नॉट ट्रू फंडामेंटल रिसर्च इज अ काइंड ऑफ रिसर्च ट्रू रिसर्च इज अ काइंड ऑफ रिसर्च बट डिटिड रिसर्च डिडक्टिव रिसर्च एक अलग तरीके की निगेटिव अप्रोच है सो इज नॉट द रिसर्च द प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मैथड इज इन द रिसर्च फील्ड इज प्रोमिनेंट मैथड क्या है देखिए ये भी कंफ्यूजिंग है इसका करेक्ट आंसर एलिमिनेट सुपेरियस रिलेशन है रिले रिलेशन यही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिवस होते हैं उनको बेस्ट पॉसिबल पता करने का तरीका द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च इज़ इम्पेरिजम ऑब्जेक्टिविटी सिस्टमैटिक ऑल पोस्टर सेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड बिटवीन अपॉर्चुनिटी जब आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो पोस्टर लगाते हैं इट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल इंटरैक्शन नाउ सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन सेकेंड की बात हो रही है सर्वे नहीं कर सकते डिस्कशन लास्ट का है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नहीं अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो आपने प्रॉब्लम सोचा है उसका नेचर पता करोगे ये नेक्स्ट स्टेप है डपॉन्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च सो दिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस सो दीज आर द्वेश्चन ये मैं सोशल के बिकॉज बिकॉज ये नेम हमारे उसमें नहीं आएंगे तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ आई एम प्रेटी श्योर कि ये नहीं आएंगे हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च देखो टाइटल से नहीं देख सकते ड्यूरेशन से नहीं देख सकते हो सकता है आप एक छोटा सा काम खींचते चले जाओ करते चले जाओ तीन साल तक टाइटल बहुत बड़ा बना दिया अंदर कुछ नहीं है ऑब्जेक्टिव से हमेशा देखा जाता है द रिसर्च इज़ वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ अगेन अगेन नहीं सर्च फॉर ट्रूथ सो so, आज के लिए सिर्फ इतना ही बाकी आप मुझे बताओ इसके बाद हम डेली प्रैक्टिस करेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो कमेंट जरूर करना और सारा रिवाइज़ करते रहो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रिवाइज़ करो डेफिनेटली बहुत इजी रहेगा आपको ख़त्म करने में सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन फॉर योर कमेंट फॉर योर लव फॉर योर सपोर्ट ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट जल्दी से तैयारी करो कोर्स का लिंक नीचे है डाउनलोड कर सकते हो आपकी मर्जी थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय टेक केयर